भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। पचास हजार की इनामी शाइस्ता परवीन के हटवा आने की सुबुगाहट पर फोर्स बढ़ा दी गई है। बालगृह से छूटने के बाद अदीक के दोनों बेटे रिश्तेदार अंसार अहमद के घर पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी मां शाइस्ता उनसे मिलने का प्रयास जरूर करेगी। हटवा में अंसार के घर पर फोर्स बढ़ाई गई है, गाँव में भी फोर्स लगा दी गई है। इसमें महिला सिपाही भी मौजूद है। इसके अलावा थाने और कंट्रोल रूम की गाड़ियां भी दिन में गाँव के कई चक्कर लगा रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही अतीक के दोनों नाबालिग बेटे अहजम और आबान को राज रूपपुर स्थित बालगृह में रखा गया था। इसी बीच अहजम 5 अक्टूबर को बालिग हो गया था। बाल कल्याण समिति ने दोनों को उनकी बुआ को सौंपने का निर्णय लिया। 9 अक्टूबर को दोनों को बुआ परवीन कुरैशी को सौंप दिया गया। दोनों को अशरफ के साड़ू अंसार अहमद के घर रखा गया है। उनकी सुरक्षा में अंसार के घर फोर्स भी लगाई गई है। सुखबुगाहट है कि शाइस्ता परवीन अपने नाबालिग बेटों से मिलने हटवा आ सकती है। शाइस्ता की खोजबीन में लगी पुलिस उस खबर से सक्रिय हो गई है। हटवा में अंसार के घर पर फोर्स बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही गांव में भी फोर्स तैनात है। कई सिपाहियों को सादे वेश में भी तैनात किया गया है। महिला पुलिस की तैनाती की गई है क्योंकि शाइस्ता कुछ बुरखा नशी महिलाओं के साथ ही रहती है। वह खुद भी नकाब में रहती है। इसी कारण पुलिस अब तक न तो शाइस्ता को पकड़ पाई है, न ही अशरफ की पत्नी जैनब को। अंसार के घर आने जाने वाले सभी को पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। अधिक के दोनों बेटे भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसो पूरा मुफ्ती अजीत सिंह ने बताया कि गांव में फोर्स तैनात है। अधिक के बेटों से मिलने जुलने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।